गाइज इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये मल्टी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक के अंदर एक से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को बढ़ाया गया है। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ अ कॉपर ब्लॉक। कॉपर ब्लॉक है आपके पास, लेट अस सपोज कि ये मेरे पास एक कॉपर ब्लॉक है। इस कॉपर ब्लॉक को मैं क्या करना चाह रहा हूँ, गर्म करना चाह रहा हूँ। जब मैं इसको गर्म करूँगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर से कुछ फोर्स लगा रहा हूँ ताकि इसका वॉल्यूम ना बढ़े। जब आप किसी मटेरियल को गर्म करते हो तो गर्म करने की वजह से उसके अंदर एक्सपेंशन आता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बढ़ती है अगर 3D ऑब्जेक्ट है तो आप क्या कर रहे हो, बाहर से कुछ ऐसा कर रहे हो कि उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना बढ़े, वॉल्यूम में चेंज ना आए। वही है हमसे कह रहा, कैलकुलेट द प्रेशर, आप कितना प्रेशर बाहर से लगाओगे। बाहर से आपको लगने वाला प्रेशर या लगाने वाला प्रेशर आपसे पूछ रहा है कितना प्रेशर लगाओगे टू स्टॉप द इंक्रीज इन द वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम ना बढ़े, ऑफ अ कॉपर ब्लॉक व्हेन इट इज हीटेड। जब इसको हम गर्म करें, इट इज हीटेड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें इसको गर्म करना। कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपको दिया हुआ है अल्फा, कॉपर के लिए कितना दे रखा आपको, ये दे रखा, इसको आप अल्फा कहते हो, ठीक है, ये दे रखा। एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी आपको दिया हुआ है, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम का जिक्र चल रहा है तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देते हैं। जब आप टेम्परेचर दे करके किसी की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बदल रहे हो तो उसके लिए फॉर्मूला ये लगता, क्या लगता है, चेंज इन वॉल्यूम, ये होता है, ये है वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा, गामा अब देखो गामा इंटू वी और साथ में डेल्टा टी, गामा वी डेल्टा टी ये होता, ठीक है। यहाँ से आप डेल्टा वी अपॉन वी, ये फॉर्मूला होता, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा गामा इंटू डेल्टा टी, ठीक है भाई, ये वाली बात आपको पता चल गई। अब आप सीधे कहाँ पहुँचेंगे, सीधे पहुँचेंगे फॉर्मूले पे। सिंस वी नो दैट, आप एक चीज़ जानते हो, क्या जानते हो, आप बता रहा हूँ क्या जानते हो, आपने बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला पढ़ रखा, क्या, प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी अपॉन वी, ठीक है, ध्यान देना। अब मैं यहाँ से P की वैल्यू निकालना, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा कापा डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V अपॉन V की वैल्यू है गामा डेल्टा T, तो मैं इसकी जगह कह सकता हूँ के गामा इंटू डेल्टा T। अब चूंकि आपको पता है अगर आपको वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन गामा दे रखा है, इसको अगर लीनियर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो गामा इज इक्वल टू हो जाता है 3 अल्फा के। अल्फा क्या है, ये है कोफिशेंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, गामा क्या है, कोफिशेंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। बाय द वे क्वेश्चन के अंदर लीनियर एक्सपेंशन का दिया हुआ है अल्फा का जिक्र, अगर यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन देता तो हम गामा की ही वैल्यू रख देते, लेकिन लीनियर एक्सपेंशन दे रखा तो आप अल्फा की वैल्यू रखोगे, तो जाहिर सी बात है आपको गामा को अल्फा में तोड़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ, इसको कह सकता हूँ 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी, बस सबकी वैल्यू रख दो और आंसर पा लो। कैसे रखोगे आप, देखो कापा इज इक्वल टू वैल्यू रखो के की वैल्यू, के कितना है 3.6 इंटू 10 की पावर 11, 3 ऐसे रहेगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है आपके पास 8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 8 इंटू 10 की पावर माइनस का 6, के की वैल्यू रख दी मैंने 3, अल्फा की वैल्यू रख दी डेल्टा टी, तापमान में परिवर्तन कितना हुआ, कितना था आपके पास 50 था, 20 डिग्री सेंटीग्रेड का फर्क हुआ होगा तभी 70 पहुंचा होगा, तो 50 और 70 के बीच में जो फर्क आया वो आया 20 का, तो आप यहाँ पर 20 रख देंगे। इसको सॉल्व कर लो और आंसर पा लो, देखो 8 या 24, 24 का जब डबल करूँगा तो कितने हो जाएंगे जल्दी से बताओ, 24 का जब डबल करते हैं तो ये हो जाएगा 48, ठीक है, तो देख लो 8 × 16 और 16 × 48, तो 3.6 की मैं 48 से मल्टीप्लीकेशन करूँगा। अब पावर्स को देख लो, ये 20 है, सॉरी मैंने यहाँ से तो ये कर लिया ना, तो ये मैंने 2 मान के किया था क्योंकि 8 या 24, 24 दुनिया 48, तो इसको मैंने 2 माना था लेकिन था ये 20, तो एक जीरो जो है वो इसमें जुड़ जाएगा, 10 की पावर 12 हो जाएंगे, 10 की पावर माइनस का 6 था तो 10 की पावर 6 रह जाएंगे। अब 48 की 3.6 से मल्टीप्लीकेशन कर लो, तो 48 की जब 36 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 × 48 का 8 हासिल लगे 4, 6 × 24, 24 और 4 कितना हो गया 28, 8 × 24 का 4 कैरी 2, 4 × 12 13, 14 × 14 8 ये 12 का 2 हासिल लगे और 7 ये हो जाएगा 1728, है ना, यही तो हो जाएगा।
आठ ऐसी, आठ चार बारह का दो, हाँ से लगा एक, चार दो से सात, ये हो जाएगा। पॉइंट कितने के बाद था? एक के बाद, तो ये हो जाएगा 172.8। 172.8 इंटू 10 की पावर 6, 172.8 इंटू 10 की पावर 6, इसको मैं ये कह सकता हूँ 1.728। पॉइंट को मैं दो प्लेस इधर को ले आया तो पावर प्लस में हो जाएगी, तो 10 की पावर 8, ये कह सकता हूँ, बिल्कुल कह सकता हूँ। ये मैंने निकाला क्या है, ये मैंने सोल्व क्या किया है, मैंने इसको सोल्व किया है, ये मैंने इसको सोल्व किया, तो ये पी चल रहा था ना, ये पी चल रहा था इधर, तो मैंने के की वैल्यू रख दो, तो ये पी चल रहा है इधर पी, ठीक है, पी मतलब प्रेशर, तो प्रेशर आपको इतना लगाना पड़ेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। होप सो समझ में आ गया होगा। क्रॉस चेकिंग कर लेता हूँ आंसर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1.728 इंटू 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिल्कुल सही है। अगर किसी को स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, और आपका डाउट क्लियर हो गया, समझ में आ गया, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइबर बहुत कम है, जितना हो सके सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्यों, आपके पास कोई पैसा नहीं जाता सब्सक्राइब करने का, कुछ नहीं जाता, फिर भी आप सब्सक्राइब नहीं करते। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर तेज़ी से बढ़ाओ, अगर आप सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करेंगे तभी तो यार अपना नाम होगा। थैंक यू सो मच।